दोस्तों मेल को सेक्स में प्लेजर तभी मिलता है जब उसका इजैकुलेशन हो जाता है, चाहे वो 5 मिनट हो, चाहे वो 10 मिनट हो, चाहे वो 15 मिनट हो। लेकिन दोस्तों फीमेल को सेटिस्फाई होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। फीमेल को सेटिस्फेक्शन तभी मिलता है जब वो इजैकुलेट होती है 3-4 बार, एक बार इजैकुलेशन से भी उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। तो दोस्तों इसके लिए बहुत सारे लोगों में डिस्कम्फर्ट है, बहुत सारी फीमेल ऐसी हैं जिनको ऐसा लगता है कि उनको सेक्स में पूरा प्लेजर कभी मिला ही नहीं आज तक, हालांकि वो सालों से सेक्स कर रही हैं। तो दोस्तों एक प्रोडक्ट आता है जिसका नाम है वाइब्रेशन रिंग, जिसकी बहुत सारी वैरायटीज़ इंडिया में अवेलेबल है। तो आज मैं आपको सारी वैरायटीज़ दिखाने वाला हूँ और इस वीडियो के लास्ट में एक सबसे स्पेशल वैरायटी दिखाऊंगा जो कि बहुत ही एक्सीलेंट है। तो दोस्तों इन प्रोडक्ट को यूज़ करने से आपका प्लेजर बढ़ेगा, एंजॉय बढ़ेगा और आपको सेक्स करने में मज़ा आएगा, आपको बार बार सेक्स करने की इच्छा करेगी। तो आज हम आपको प्रोडक्ट बता रहे हैं जितनी भी तरह की वाइब्रेशन रिंग इंडिया में अवेलेबल है। आजकल तो इंटरनेशनल ब्रांड्स भी इंडिया में मिलने लग गए हैं, यूज़ करना चाहिए, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं है, लेकिन हाँ प्लेजर के आगे तो कॉस्ट की कोई कीमत ही नहीं होती। दोस्तों आज मैं आपको दिखा रहा हूँ सारी वाइब्रेशन रिंग्स, आप उनको सेलेक्ट कर लें, अपने लिए पसंद कर लें, आपके बजट के हिसाब से चूज़ कर लें। आप देखेंगे कि आपका प्लेजर बहुत बढ़ जाएगा, आपका टाइमिंग बढ़ जाएगा और दोस्तों सेक्स करने के बाद में जो हैप्पीनेस मिलती है, जो एंजॉय होता है, जो उसके बाद में सेटिस्फेक्शन मिलता है, बहुत ही अच्छा रहता है। तो आप उसको यूज़ करेंगे इन प्रोडक्ट को तो आपको पता रहेगा, क्योंकि सिर्फ एक मेल का सेटिस्फेक्शन ही सफिशिएंट नहीं है, फीमेल का सेटिस्फेक्शन भी पूरा होना चाहिए सेक्स होने। तो दोस्तों दोनों लोग सेटिस्फाई होते हैं वाइब्रेशन रिंग्स के हेल्प से, वाइब्रेशन रिंग की मदद से आप ज़्यादा एंजॉय करते हैं अपने सेक्स को। तो दोस्तों सबसे पहला प्रोडक्ट जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये है स्कोर शिवर। पहले मैं आपको 3 रिंग्स जो बताऊँगा ये आपकी ऐसी रिंग्स हैं जिनमें आप सेल रिप्लेस करके इनको रीयूज़ कर सकते हैं। सस्ते प्रोडक्ट हैं लेकिन प्लेजर उतना ही देते हैं आपको। इसके बाद में आपको रिचार्जेबल रिंग्स बताऊँगा, उसके बाद में आप रिचार्जेबल के साथ में एक्स्ट्रा जो फीचर्स वाली रिंग है वो भी दिखाऊँगा। काफ़ी सारी रिंग्स अवेलेबल हैं, थोड़ा फास्ट में चलते हैं ताकि आप जान लेंगे कि कौन कौन से। ये स्कोर की शिवर के नाम से सब जगह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी मिलते हैं ये प्रोडक्ट, आप हमारे यहाँ से भी ले सकते हैं, हमारी साइट पे भी अवेलेबल हैं। स्कोर की शिवर जो वाइब्रेशन रिंग है इसकी कॉस्ट 600 रुपये है, इसका बैटरी टाइम 1 घंटा है, इस तरह की पैकिंग में आती है, ये शेप बहुत एक्सीलेंट है इसकी, 600 रुपये में बुरी नहीं है। दोस्तों ये जो रिंग है इसका वाइब्रेशन टॉय इसके अंदर है। इसके सेल किस तरह से चेंज करने आपको आना चाहिए, अदरवाइज़ आपके ये पैसे 600 रुपये आपने जो लगाए हैं वो आपके वेस्ट हो जाएंगे। तो इसके वाइब्रेशन टॉय है इसमें, इसको ओपन करने का सिस्टम भी है तो वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसका आगे का पार्ट है, इसमें जैसे आप इसको खोलेंगे तो आप देखेंगे इसके अंदर एक लॉक है, इसको निकाल लेंगे हम तो ये निकल गया। इसके अंदर इसके 2 सेल हैं, ये सेल आप बहुत इजीली मार्केट से परचेज़ करके इसको रिप्लेस करके रीयूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक बार में आपने इसको रिंग यूज़ करी, 1 घंटा आपने इसको प्ले किया, एंजॉय किया अपना, उसके बाद में आपका ये सेल ख़त्म हो गए तो आप इसको फेंकना नहीं है, आपको इसको वापस से रीयूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से आपको सेल रिप्लेस करने, ऐसा नहीं हो कि आपने 600 रुपये खर्च किए और एक बार यूज़ करके इसको थ्रो कर दिया। इसको लगाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से आपको लगानी है ये रिंग। कोई भी आप लुब्रिकेंट ले लें, इसको पहले लुब्रिकेंट अपने पीनस पे लगाएं, अगर आपको कॉन्डम पहनना हो तो कॉन्डम भी पहन लें, उसके बाद ही वाइब्रेशन रिंग यूज़ करें। इसको लगाने का तरीका वैसे सबसे सिंपल है, इसमें एरो बना हुआ है नीचे की तरफ, आप समझ जाएं, क्योंकि ये ऊपर वाला पार्ट इसका वाइब्रेट करता है, ये फीमेल के क्लिटोरिस पे क्लिट पे टच होना चाहिए जो फीमेल को एक्साइट करता है, अराउज करता है, और इससे जो रिंग है ये मेल का टाइमिंग भी बढ़ाती है। जैसे आपके पीनस में ब्लड का फ्लो आया, आपका पीनस टाइट हो गया, तो उसके बाद में आप जैसे इसको चढ़ाएंगे तो थोड़ा सा टाइटनेस देगा ये आपको, ताकि आपका ब्लड का फ्लो वापस ना जाए, आप ज़्यादा टाइम सेक्स कर पाएँ। ये सारी रिंग्स में कॉमन है, ऐसा इस तरह का होता है। इस तरह से आपने पहन लेनी है, लुब्रिकेंट लगा के, कॉन्डम लगा के, उसके बाद में आप रिंग को यूज़ करें। तो जब भी आप सेक्स करेंगे, फीमेल के वजाना में पीनस को एंटर करेंगे, तो ये रिंग जो वाइब्रेट कर रही है ये फीमेल के क्लिट पर टच करेगी, क्लाइटोरिस, जी स्पॉट जो बोलते हैं उस पर टच करेगी और उसको बार बार अराउज करेगी, एक्साइट करेगी, बहुत ज़्यादा एन्जॉय मिलने वाला है आपको। तो मैंने एक पहली रिंग के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता दिया, अब आपको सारी रिंग्स में फास्ट में बता देता हूँ। दूसरी जो रिंग मैं आपको बता रहा हूँ इसका नाम है ड्यूरेक्स, ड्यूरेक्स की इंटेंस वाइब रिंग बोलते हैं इसको, इसकी कॉस्ट है 799 रुपीज़। मेरे पास एक खुला हुआ पैक है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पैकिंग बहुत ही एक्सीलेंट है, बहुत अच्छे सॉफ्ट सिलिकॉन की बनी हुई ये रिंग है। कंपनी इसको रिकमेंड नहीं करती इसके सेल चेंज करना, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। लगाने का तरीका वही सेम रहेगा, अपने पीनस पे इस तरह से आपको लगा देनी है। इसका सिलिकॉन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो इसको आप बॉल्स के पीछे तक भी ले जा सकते हैं ताकि आपका टाइमिंग भी बढ़ जाए। ये इसका बटन है जिससे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब मैं इसका ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कि आपको किस तरह से इसकी बैटरीज रिप्लेस करनी है। ये देखिए बहुत आसानी से इसका खुल गया है, ये वाइब्रेशन टॉय।
दोस्तों इसको चेंज करने का बहुत ही आसान सिस्टम है। इसके अंदर ये होल बना हुआ है, तो जब भी आपको इस होल को ओपन करना हो आपने एक कॉइन ले लेना। वैसे मैं आपको ऐसे हाथ से भी खोल के दिखा देता हूँ, किसी कॉइन की हेल्प से आप इसको खोल लें। इसमें दो सेल डले हुए हैं, ये मार्केट में मिल जाएंगे, किसी को भी दिखाएंगे, थोड़ा सा रेयरली मिलते हैं, तो अच्छी शॉप पे जाएंगे तो वहाँ पे मिल जाएंगे। CR1025 इनका नंबर है, काफ़ी लोग इसका नंबर भी जानना चाहते थे, तो मैं आपको बता देता हूँ। फिर इसको वापस आप रिप्लेस करके रीयूज़ कर सकते हैं। इसकी टाइमिंग सिर्फ 20 मिनट है, ये 20 मिनट बाद सेल ख़त्म हो जाएंगे, आपको नए सेल डालने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप रीयूज़ कर पाएंगे। तीसरी जो रिंग मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसका नाम है कैरेक्स, कैरेक्स की थर्ड हैंड के नाम से दो कलर्स में अवेलेबल है। मैं आपको एक रिंग खोल के दिखा देता हूँ। इसका बैटरी टाइम 30 मिनट है, लेकिन ये बहुत ही अच्छी रिंग मानता हूँ मैं इसको, क्योंकि इसकी शेप बहुत अच्छी है। ये फीमेल के क्लिटोरिस पे टच करके इसको एक्साइट भी करती है, उसके दो ये फिंगर बने हुए हैं, इसके नॉट्स बने हुए हैं। ये बहुत एक्सीलेंट प्रोडक्ट है, हाई क्वालिटी सिलिकॉन से बना हुआ, कॉस्ट वाइज भी बहुत महंगा नहीं है, सिर्फ 599 रुपीज़ का है, और सब जगह आजकल मिलने लग गए हैं। कैरेक्स के प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे हैं, मलेशिया की ये कंपनी है कैरेक्स, जो बहुत अच्छे कॉन्डोम्स भी बनाती है, लुब्रिकेंट्स भी बनाती है, वाइब्रेशन रिंग्स भी बनाती है। इसका वाइब्रेशन टॉय भी इस तरह का है, इसके अंदर आप इसको खोल लें, इसी तरह से निकल जाते हैं ये सेल, और इसमें आप सेल रिप्लेस डाल दें। एक बार के सेल तो कंपनी दे रही है, बहुत आसानी से मिल जाते हैं ये सेल, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। इस तरह से इस प्रोडक्ट को यूज़ करें। अब मैं आपको तीसरी, इसके बाद मैं आपको रिचार्जेबल रिंग्स दिखा रहा हूँ। स्कोर कंपनी इंडिया में रिचार्जेबल रिंग्स का कॉन्सेप्ट लेके आई है। इसमें आपको बार बार रिप्लेस नहीं करनी बैटरीज, पर इनकी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन वर्थफुल है, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। 1600 रुपये की स्कोर वाइप्स, जिसमें है USB केबल, इससे आप इसको चार्ज करें, उसके बाद एक घंटा यूज़ करें, उसके बाद वापस से चार्ज करें। ये वाटरप्रूफ रिंग है, इसके दो फायदे हैं। इसको फीमेल के लिए फोर प्ले में भी आप यूज़ कर सकते हैं, फीमेल की वजाना में इसको इंसर्ट कर दें। ये इसमें बटन है, जिसको आप 30 सेकेंड के लिए प्रेस करेंगे तो इसका वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। देखिए वाइब्रेट होने लग गई है, आवाज़ नहीं कर रही लेकिन वाइब्रेट कर रही है। तो जितनी बार आप इस बटन को प्रेस करेंगे ये उतनी बार अलग अलग मोड में वाइब्रेट करती है। बहुत ही एक्सीलेंट हाई क्वालिटी रिंग है, और वापस आपको इसको बंद करना हो तो वही 30 सेकेंड आप प्रेस करें तो ये बंद हो जाएगी। इसमें इस साइड में इसका होल है जिसमें आप USB केबल लगा सकते हैं। USB केबल लगाने का तरीका काफ़ी लोगों को पता नहीं है, क्योंकि ये जैसे आप इसमें डालते हैं इस रिंग को, इसमें जैसे इंसर्ट करते हैं तो काफ़ी लोग यहीं डाल के छोड़ देते हैं। आपको जब भी इसकी लगानी हो केबल तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा प्रेस करें, ताकि ये आपको दिखनी नहीं चाहिए, तभी ये चार्ज होगी। उसके बाद में आप एक घंटे बाद इसको निकाल सकते हैं, एक घंटे में चार्ज हो जाती है फुल, उसके बाद एक घंटा आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये है स्कोर की वाइप्स रिचार्जेबल रिंग। एक और रिचार्जेबल रिंग स्कोर कंपनी ने लॉन्च की हुई है, जिसका नाम है स्कोर बज। स्कोर बज में एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है, इसको वाइब्रेशन मोड उसमें 7 थे, इसमें 8 वाइब्रेशन मोड्स हैं। इसकी शेप थोड़ी सी डिफरेंट है, और इसके साथ में है बहुत स्पेशल रिमोट, तो आप इसको फीमेल के अराउजमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। वही सेम इसमें USB केबल है, इससे आप चार्ज कर सकते हैं इसको। पैकिंग बहुत ही एक्सीलेंट दी है इन्होंने। तो दोस्तों ये वाइब्रेशन रिंग है, इसमें साइड में इसका ऑन ऑफ का स्विच है, ये देखिए इस तरह से इसका ऑन ऑफ का स्विच है। इसमें लाइट्स भी हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग प्रोडक्ट है ये। इसको भी इस तरह से आपने पहनना है, इस तरह से अपने पीनस पे चढ़ाना है। सबसे पहले फीमेल की वेजाना में इंसर्ट करके आप प्ले कर सकते हैं, उसको फोर प्ले की तरह यूज़ कर सकते हैं, उसको और ज़्यादा अराउज और एक्साइट कर सकते हैं। कई बार अलोन फीमेल भी इस तरह के प्रोडक्ट यूज़ करती हैं, उनके पास पार्टनर नहीं होता तो अपने मैस्ट्रुबेशन के लिए इस तरह के टॉयज़ यूज़ करती हैं फीमेल भी। लुब्रिकेंट साथ में यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, इनके साथ अगर आप लुब्रिकेंट यूज़ करेंगे तो आपका प्लेजर बढ़ जाएगा और इन टॉयज़ की लाइफ भी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों ये इसमें बैटरी डलती है, जो काफ़ी टाइम तक चलती है, कोई ख़राब नहीं होगी बैटरी। जैसे आप इसको निकालेंगे, इसका लॉक मैं आपको एक बार स्टार्ट करके इसको दिखा देता हूँ, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न आ रहे। बाद में काफ़ी लोग मैसेज करते हैं कि उनको प्रॉब्लम आई इसको यूज़ करने में। देखिए दोस्तों ये मैंने इसको स्टार्ट कर दिया, इसमें 8 वाइब्रेशन मोड हैं, तो जितनी बार मैं इसको अलग अलग मोड पर प्रेस करूँगा इसकी लाइट्स चेंज होंगी, अलग अलग मोड में ये वाइब्रेट करेगी। आवाज़ नहीं कर रही है बिल्कुल भी, लेकिन वाइब्रेशन बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों एक प्ले करने के लिए बहुत ही एक्सेलेंट टॉय है, और जैसे आप इसको वापस से लॉन्ग प्रेस करेंगे, लॉन्ग प्रेस करते ही ये बंद हो जाती है। तो ये टॉय बहुत अच्छा मानता हूँ, 2500 इसकी कॉस्ट है। बहुत ही प्रीमियम प्रोडक्ट की रेंज में हम आ रहे हैं, जिसका नाम है कैरेक्स। कैरेक्स की रिचार्जेबल रिंग्स बहुत ही एक्सीलेंट है, इनकी शेप थोड़ी सी डिफरेंट है। तो ये है इसकी कैप्टन ए, ये भी रिचार्जेबल रिंग है, जिससे आप USB केबल से चार्ज कर सकते हैं। इसमें
दो रिंग्स हैं। अब काफ़ी लोग ये जानना चाहते हैं कि इन रिंग्स का फ़ायदा क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। इन रिंग्स से जो स्टे हार्ड रिंग वाला आपको बेनिफिट है वो मिलने वाला है। आपका पीनस ज़्यादा देर तक स्टे हार्ड रहेगा, आपका पीनस हार्ड रहेगा ज़्यादा देर तक। तो इसको लगाने का तरीका बहुत ही आसान है। आपको पहले अपने पीनस पे लुब्रिकेंट लगाना है या कॉन्डम चढ़ाना है वो आप पहले कर लें, उसके बाद आप इस रिंग को इस तरह से अपने पीनस पे इंसर्ट करें। जो पीछे वाली बड़ी रिंग है ये आपके बॉल्स के पीछे आपको सेट करनी है और आगे वाली रिंग आपको आगे रखनी है। तो आप देखेंगे ये ना, जिन लोगों को शीघ्र पतन या टाइमिंग की प्रॉब्लम होती है, अर्ली एजेकुलेशन की प्रॉब्लम होती है, वो लोग इस तरह की रिंग्स यूज़ करते हैं। उनमें वाइब्रेशन नहीं होता, लेकिन वो एक ट्रीटमेंट की तरह इसको यूज़ करते हैं ताकि आपका पेनिस ज़्यादा देर तक टाइमिंग आपको मिल जाए, ज़्यादा देर तक हार्डनेस रहे। तो दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया इसका रीज़न क्या है। अब इसको ऑन ऑफ करके मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे इसका ऑन ऑफ का स्विच है, इसमें भी 8 वाइब्रेशन मोड है और बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है ये रिंग, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होता है इसमें। जितनी बार आप प्रेस करेंगे हर बार अलग अलग मोड में वाइब्रेट करता है और ये फीमेल के क्लिटोरिस को ज़्यादा स्टिमुलेट करने के लिए ये इसका नॉट बना हुआ है, बहुत ज़्यादा एक्साइट करता है ये फीमेल को। और ऐसे ही लॉन्ग प्रेस से आप इसको ऑफ़ कर सकते हैं। और अब मैं बताने वाला हूँ आपको सबसे स्पेशल रिंग, जिसका नाम है कैरेक्स की डार्क नाइट। इसमें है फीमेल को एक्साइट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें। इसमें 10 वाइब्रेशन मोड हैं, मॉडल तो ऑलमोस्ट सेम स्कोर बज की तरह ही है, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज है वो मैं आपको बता देता हूँ। USB केबल है इसके अंदर, इसके अंदर रिमोट है और इसके अंदर ये रिंग है। अब आप लोग देख के समझ जाएंगे कि ये रिंग में इस आगे के नॉट्स क्यों दिए हुए हैं। तो दोस्तों ये है निप्पल वाइब्रेटर। फीमेल को एक्साइट करने के लिए क्लिटोरिस और निप्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो कई लोग इसको बाईपास कर देते हैं, निप्पल्स पे ध्यान नहीं देते। तो इनने कैरेक्स ने इस चीज़ पे ध्यान दिया है, निप्पल्स को एक्साइट करने के लिए, अराउज करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो ये निप्पल वाइब्रेटर इसके साथ में इन्होंने अटैच कर दिया। यूज़ करने का तरीका सेम ही है, इसको इस तरह से आप एक साइड से इसका सेम, उसमें लाइट्स भी हैं जैसे स्कोर बज में थी, और ये इसका रिमोट है। ये बैटरीज कहीं भी मिल जाती हैं, वैसे तो एक बार आपने बैटरी डाल ली तो कम से कम 6 महीने चलेगी, ख़राब ही नहीं होगी 6 महीने तक, क्योंकि बहुत कम यूज़ होती है ये वाली बैटरी। सेम उसी तरह यूज़ करने का तरीका है, जैसे हमने इसको स्टार्ट किया इस तरह से वाइब्रेट कर रही है, और इसका निप्पल वाइब्रेटर तो बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेट करता है। जितनी बार आप इसको प्रेस करेंगे, इसमें 10 वाइब्रेशन मोड हैं, उसमें 8 वाइब्रेशन मोड हैं। तो दोस्तों सेलेक्ट कर लें आप अपने लिए बेस्ट प्रोडक्ट सेलेक्ट करें, यूज़ करें और अपने प्लेजर को, अपने एंजॉय को बढ़ाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।